जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए मांग सजाती है ना, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के लिए तिलक सजाता है। जितना महत्व एक स्त्री की मांग का है, उतना ही महत्व एक भक्त के तिलक का। तिलक का अर्थ ही होता है तिलक। ये देखो व्हाइट, दो कलर के ऊपर, दो व्हाइट कलर के ऊपर जो ऊर्ध्व पुंड है ऊपर की ओर, ये भगवान श्री मन्नारायण के चरण है। बीच में लाल वो माता लक्ष्मी जी है, और नीचे जो आसन है वो आसन है हनुमान जी का प्रतीक। तो तिलक क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। झंडा क्यों लगाया जाता है घर पर? क्योंकि वो हमारी जय जयकार की का प्रतिनिधित्व, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। शंकर जी नंदी पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि नंदी धर्म है और धर्म का प्रतिनिधित्व नंदी कर रहा है, तो शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। मैंने कई बार इन बातों को विस्तार से समझाया। उसी तरह नारी के माथे का जो सिंदूर है, मांग है, वो अपने अखंड सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है कि मैं आपके मांग का सिंदूर बता रहा है कि आप अखंड सौभाग्यवती हैं। यदि आप मांग भर के जाएंगी और किसी संत को प्रणाम करेंगी तो वो आपको यही आशीर्वाद देगा, बेटी अखंड सौभाग्यवती रहो। और आपकी मांग नहीं होगी तो वो संत सकुचा जाएगा कि इसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान कैसे दे, इसका तो मांग खाली है। तो वो ये समझ लेगा कि इसकी तो मांग खाली हो गई, उसे थोड़ी पता कि तुमने फैशन में नहीं भरी। तो तुम अखंड सौभाग्यवती के वरदान से वंचित रह जाओगे। बिन परमेश्वर, जैसे बिना भगवान के मंदिर सूना, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना। उसी तरह पति बिना संसार